हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम न्यूमरोलॉजी में एंटी नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे पिछले एपिसोड्स देखो तो उसमें आपको फ्रेंडली नंबर, अनफ्रेंडली नंबर, न्यूट्रल नंबर मिलेंगे और मिलेगा एंटी नंबर्स। तो आज हम सिर्फ एंटी नंबर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक विशेष महत्व रखता है हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट में। मेनली दो सेट्स ऑफ नंबर्स एंटी नंबर्स होते हैं, पहला 1 and 8, दूसरा 3 and 6। ना 1 and 8, वन नंबर रिप्रेजेंट सन, सूर्य, 8 नंबर रिप्रेजेंट सैटर्न यानी सन। सैटर्न और सन की आपस में नहीं बनती। So, अगर ये दोनों नंबर्स आपके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर में हो या वाइसी वर्षा हो, सो आपके लाइफ में स्ट्रगल चलती रहेगी, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। डिस्पाइट ऑफ ऑल द पोटेंशियल यू हैव, ऑल द कैपेसिटीज यू हैव, ये दोनों नंबर आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, बहुत मुश्किलें देंगे। दूसरा सेट ऑफ नंबर्स जो है व्हिच इज 3 and 6, 3 रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 6 रिप्रेजेंट वीनस यानी बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति और शुक्र देव की आपस में नहीं निपटती है, एक देव गुरु है एक दानव गुरु है। तो ये नंबर्स अगर आपके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर में है या वाइसी वर्सा या कंडक्टर या ड्राइवर नंबर में है, तो अगेन वही सेम स्थिति रहेगी, लाइफ में स्ट्रगल्स देते रहेंगे, परेशानियां देते रहेंगे। काफी पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट काम नहीं होने देंगे, समस्याएं देते रहेंगे। अगेन एंटी नंबर्स में एक और चीज जो हमें देखनी पड़ती है कि अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपस में एंटी है तो ऑब्वियसली व्हाट आई सेड, दे विल कीप ऑन गिविंग स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। एंड दूसरे सिचुएशन में अगर आपके ड्राइवर नंबर सपोज 1 है और आपका नेम नंबर सम होके आता है 8 पे, या ड्राइवर नंबर 8 है और नेम नंबर सम होके आता है 1 पे, कहने का मतलब है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर और नेम नंबर आपस में एंटी हैं, सो अगेन सेम सिचुएशन। कई केसेस हैं जहां पे नंबर है 1, ड्राइवर नंबर है 1, कंडक्टर नंबर है 2, बंदे को बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बट साहब उसका नेम का नंबर 8 पे आता है। तो इतने अच्छे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होने के बावजूद बंदे को स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स मिलेंगे। सो We learned, अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपस में मैच आपस में सिंक में नहीं है या एंटी है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स और नेम नंबर आपस में सिंक में नहीं है या एंटी है, देन अगेन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो जनरली इसको करते क्या है हम न्यूमरोलॉजी में, व्हाट इसका समाधान क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, क्या करते हैं इसको, कुछ बैलेंसिंग नंबर से इसको बैलेंस करना की कोशिश किया जाता है। या अगर ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और नेम नंबर आपस में मैच नहीं करते, प्रॉब्ली यू हैव टू चेंज योर नेम स्पेलिंग सो दैट आपके ड्राइवर कंडक्टर नंबर और नेम नंबर का सामंजस्य हो सके, थोड़ी स्ट्रगल्स कम हो जाए, गाड़ी थोड़ी सक्सेस लाइन पे आने लगे, सक्सेस की पटरी पे थोड़ी सी आगे बढ़ने लगे। तो बेसिकली हम वो गाड़ी जिसमें एक ब्रेक था एंटी नंबर्स का नाम के वजह से, उसको ब्रेक को हटा के फिर गाड़ी चलाते हैं। सो रेमेडीज में इसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए देर आर सर्टन नंबर्स, पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी डन टू बैलेंस दिस थिंग्स, और
ये जो एंटी नंबर्स के ब्रेक हैं अगर हम हटा सकते हैं, नेम्स में आप हटा सकते हो, पर ड्राइवर कंडक्टर नंबर को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल टू यू एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम नंबर एंड विल बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या आपकी समस्याएं इसकी वजह से तो नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक इट। Thank you.